किस तरीके से भारत ने अपनी रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने की तरफ जोर दिया है, कैसे भारत ने प्रॉब्लम एरियाज को पहचाना है, और असल में क्योंकि हम कभी भी साजिश करने वाले मुल्क नहीं रहे, और कभी भी आप देखिएगा जो साजिश नहीं करता, मसलन कोई क्रिमिनल, आप देखेंगे क्राइम पहले घटित होता है बाद में पुलिस पहुंचती है, क्यों? क्योंकि क्रिमिनल असल में प्रोएक्टिवली सोचता है, क्योंकि वो लोग जो सच्चाई की और नेकी की राह में चलते हैं अक्सर वो रिएक्टिव होते हैं। हालांकि अब वो वक्त आ गया है कि अब बदमाशों को और शैतानों को पहचान कर हर जगह हमको प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव होना है। लेकिन अभी देखिए क्या हो रहा है, ड्रैगन गिद्ध भारत कर रहा हर बार हर जगह ये सिद्ध, और इसको समझकर भारत ने अब उसके काउंटर के लिए जो करना चाहिए वो किया जाना शुरू कर दिया है। इस तरफ आप देख रहे हैं ये हमारा देश जिस जगह आता है वर्ल्ड मैप में, वो हिस्सा आप देख रहे हैं, और भारत को किस तरीके से घेरने की तैयारी चीन की तरफ से की जा रही है, वो दक्षिण में श्रीलंका से लेकर यहां आप उत्तर में आ जाएं तो नेपाल और भूटान तक, और यहां अगर आप पूर्व में आ जाएं तो इधर म्यांमार और बांग्लादेश से लेकर, और जाहिर है पाकिस्तान तो उसका पिट्ठू है ही, भारत को घेरने के लिए वहां कई परियोजनाओं में जैसा आप जानते हैं सीपेक में इन्वेस्ट किया, कर्ज दिया, ग्वादर पोर्ट को डेवलप करने के लिए पाकिस्तान ने कर्ज दिया। पाकिस्तान की बात छोड़कर बात करते हैं क्योंकि वहां पर हिंदुस्तान जाहिर है, वहां हिंदुस्तान विरोधी गतिविधियां होती रही हैं, इसी में उस देश का वजूद है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।